हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर बी फ्रेंड। दिस इज शोर। आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगा अपने पीनट बटर की रेसिपी, जो कि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स आप घर में ही ऑल नेचुरल पीनट बटर बना सकते हैं। मार्केट से अगर आप पीनट बटर खरीदने जाएंगे तो अराउंड 350-400 रुपए का आपको पीनट बटर मिलेगा। इजीली आप घर में कैसे बना सकते हैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ऐसी कोई टॉपिक वाले वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डू गिव इट अ थम्स अप। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने पीनट्स लिया है। पीनट्स अराउंड चाहिए हमें 250 ग्राम्स, और पीनट्स के साथ हमें चाहिए सॉल्ट। बस ये दो ही इंग्रेडिएंट्स हम अपना पीनट बटर बनाएंगे, तो बस ये दो ही चीज़ें आपको चाहिए, और एक मिक्सिंग जार आपको चाहिए होगा जिसमें हम पीनट बटर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पीनट्स को रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद आपको इसे प्रॉपरली ठंडा कर देना है। गरम गरम इसको ब्लेंड करेंगे तो इतना प्रॉपर नहीं बनेगा, तो आपको जो पीनट्स है उसको ठंडा कर देना है। जब आप रोस्ट कर लेंगे उसके बाद उसको ठंडा कर दें। अब पीनट्स के रोस्ट हो जाने के बाद हम पीनट्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे जार में। जार ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा, बट जैसे कि ये बटर बनने लगेगा ना तो वो कम हो जाता है, तो हम पीनट्स इसमें ऐड कर लेंगे। सॉल्ट हमें अभी ऐड नहीं करना है, थोड़ा मिक्स होने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हम डायरेक्टली रख देते हैं ऐसे मिक्सर पे। अभी जैसे आप इसे ग्राइंड करते रहेंगे वैसे ये थिक होता जाएगा। जैसे अभी ये पाउडर हो गया है, अभी और इसे थोड़ा ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखो मैंने थोड़ा और ग्राइंड किया इसे, तो ये थोड़ा लिक्विडी हो गया। इसी तरीके से इसको थोड़ा 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 देर में ग्राइंड करते रहना है, तो ये पीनट बटर बनने लगेगा। तो मैं वापस और थोड़े से ग्राइंड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ देर और ग्राइंड करने के बाद ये काफ़ी लिक्विड होने लगा है। अब ये पॉइंट पर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो कितना सॉल्ट हमें इसे ऐड करना है? अराउंड 2 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। बिना सॉल्ट के भी आप इसे बना सकते हैं, बट बेसिकली सॉल्ट से इसका टेस्ट आता है। इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं। या हम इसमें अराउंड 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे। शुगर आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप कुछ आप ऐड कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ये बिना शुगर के भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसे वापस ग्राइंड कर देते हैं। अभी कुछ देर और ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके से हो गया है। आप इसे ये पॉइंट पे भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको थोड़ा क्रंची पसंद हो तो आप ऐसे रख सकते हैं, बट अगर आपको एकदम फॉर्म चाहिए तो थोड़ी देर और इसे ब्लेंड करना है। जितना ऑयल इसमें रिलीज होगा उतना ये स्मूथ होता जाएगा। तो अभी इसे और थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ, मुझे और ज़्यादा स्मूथ पसंद है ये। काफ़ी अच्छी इसकी थिकनेस है, एक बिल्कुल ही परफेक्ट है, जैसे आपको मार्केट में मिलता है, बिल्कुल ही नेचुरल। कोई भी चीज़ हमने इसमें आर्टिफिशियल ऐड नहीं की है। तो इस तरीके से आपको पीनट बटर बनाना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ रेडी हो गया है हमारा पीनट बटर। बिल्कुल आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सब जो पीनट्स का ऑयल छूटता है उससे ही ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इतना सिंपल है घर में ही पीनट बटर बनाना। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बहुत ही सिंपल पीनट बटर की रेसिपी। अगर आपको ज्यादा स्वीट पीनट बटर पसंद है तो आप इसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप थोड़ा कम ही से ब्लेंड कर सकते हैं, या आप ऊपर से थोड़े से जो पीनट्स है वो ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा क्रंची बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पीनट बटर घर भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव इट अ थम्स अप फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, ये सब टोटल फिल्म करने में। तो अगर जरिए भी आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हो तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।